दोस्तों एक समय की बात है, वृंदावन में एक संत रहते थे जिनका नाम था कल्याण। वो बांके बिहारी जी के परम भक्त थे। एक बार संत जी के पास एक सेठ जी आए जिनका व्यापार ठीक नहीं चल रहा था और उन्हें व्यापार में बहुत ज़्यादा घाटा हुआ था। हाय गाइस, मैं हूँ शिव और एक छोटा सा प्रसंग हम सबके लिए। अब सेठ जी संत जी के पास बैठ गए और उन्होंने अपने व्यापार संबंधी सभी समस्याएँ संत जी से बता दी और कहा कि अगर आप कोई ऐसा उपाय जानते हैं जिससे कि मेरा व्यापार सही हो सके तो उसे अभी सही कर दें। तो संत जी ने कहा कि मैं ऐसा कोई उपाय नहीं जानता, ना ही मैं ऐसी कोई विद्या जानता हूँ जिससे कि आपके व्यापार को सही कर सकूँ। संत जी ने सेठ जी से कहा कि हमारा तो सिर्फ एक ही आसरा है, बिहारी जी। बस इतनी ही बात हो पाई थी कि मंदिर खुलने का समय हो गया। संत जी सेठ जी को बिहारी जी के मंदिर ले आए और बिहारी जी की ओर हाथ दिखाते हुए कहा कि आपको जो कुछ कहना है और आपको जो कुछ मांगना है इनसे कह दीजिए और इनसे मांग लीजिए, ये सबकी मनोकामना पूरी करते हैं तो आपकी भी मनोकामना पूरी करेंगे। सेठ जी ने सच्चे मन से बिहारी जी से प्रार्थना करी और कुछ दिन वृंदावन में रुके और फिर वहाँ से चले गए। देखते देखते उनका व्यापार ठीक हो गया। अब सेठ जी 2-3 दिन में वृंदावन आते और बिहारी जी को धन्यवाद देते और फिर वहाँ से चले जाते। दोस्तों अब कुछ समय बाद सेठ जी का स्वास्थ्य बिगड़ गया। अब वो अस्वस्थ रहने लगे, उनके शरीर में वृंदावन जाने की शक्ति नहीं रही। जब ये बात उन्हें मालूम पड़ी कि उनका एक जानकार वृंदावन यात्रा में जा रहा है बिहारी जी के दर्शन करने, तो उन्हें बड़ी ही प्रसन्नता हुई। सेठ जी ने उस व्यक्ति को बुलाया जो वृंदावन यात्रा में जा रहा था। सेठ जी ने उसे 750 रुपये दिए और कहा कि बिहारी जी की सेवा में लगा देना और उनके लिए अच्छे पोशाक ले देना। दोस्तों अब वो आदमी वृंदावन पहुँचा, उसने बिहारी जी के लिए अच्छे पोशाक सिलवाए और बिहारी जी को भोग भी लगवा दिया। ये सारी व्यवस्था करने में उस व्यक्ति के ज़्यादा पैसे खर्च हो गए, तो उसने सोचा चलो कोई बात नहीं, थोड़ी सेवा बिहारी जी की हमसे भी हो गई। दोस्तों हमारे बाके बिहारी जी बड़े ही नटखट हैं। उधर मंदिर बंद हुआ तो बाके बिहारी जी रात को सेठ जी के सपने में पहुंच गए। अब सेठ जी सपने में बिहारी जी के त्रिभुवन मोहिनी मुस्कान के दर्शन कर रहे हैं। बिहारी जी ने सेठ जी से कहा कि तुमने मुझे जो सेवा भेजी थी वो मैंने स्वीकार कर ली है, लेकिन इस सेवा में 249 रुपये ज़्यादा खर्च हो गए हैं, तुम उस भक्त को 249 रुपये लौटा देना। और बिहारी जी ऐसा बोलकर अंतर्ध्यान हो गए। जब सेठ जी की सुबह आंखें खोली तो वह आशाचकित रह गए। उन्होंने सोचा कि ये बिहारी जी की कैसी लीला है। अब वो सुबह जल्दी जल्दी उठे और उस भक्त के घर पहुँच गए तो वहाँ पर जाके पता चला कि ट्रेन तो शाम को आएगी, मतलब भक्त से मुलाकात शाम को होगी। जब शाम को भक्त घर आया तो सेठ ने सारी बातें बताई तो भक्त भी चकित रह गया। भक्त ने सोचा कि ये बात तो मैं ही जानता था और मैंने किसी को बताई भी नहीं। सेठ जी ने उस भक्त को 249 रुपये दिए और कहा कि सपनों में बिहारी जी आए थे और उन्होंने ये सारी बातें मुझे बता के गए हैं। बिहारी जी के लीलाओं को सुनकर भक्त भी मुस्कुराने लगा और कहा कि बाके बिहारी जी की जय। बाके बिहारी जी इस कलयुग में ऐसी लीलाएँ करते हैं जिसे सुनकर जीवन धन्य हो जाता है। बाके बिहारी जी की जय। दोस्तों ऐसे हैं हमारे बाके बिहारी जी, किसी का कर्ज किसी के ऊपर नहीं रहने देते हैं। जो व्यक्ति इनकी शरण में चला जाता है किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ता है, उसे बहुत कुछ मिलता है। अगर ये कंटेंट आपको यूजफुल लगा हो और लगाव को सीखने को मिला हो तो इसी वक्त हमारे YouTube चैनल को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रखना। अगर हो सके तो कमेंट बॉक्स में श्री बाके बिहारी जी की जय जरूर लिखना, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह यूजफुल कंटेंट प्रतिदिन बनाते रहते हैं। जय श्री राम।